न्यूज़ ऑन लाइव अपडेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं जिस हस्ती से आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ वो है हमारे कश्मीर की जान, हमारे जम्मू कश्मीर की पहचान, जिनका अभी अभी हाल ही में आईपीएल में सिलेक्शन हुआ है। जी हाँ, आप समझ ही चुके होंगे मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मंजूर दार जी। तो आइए इनसे मिलवाती हूँ आपको और हम इनसे कुछ बातें करेंगे और जानेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा है और ये कितने एक्साइटेड हैं इस आईपीएल में ज्वाइन करने के लिए। वेलकम टू न्यूज़ नाउ सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, जब आपको पता चला कि आपकी आईपीएल में सिलेक्शन हो चुकी है और आप किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलेंगे, ब्रिटिश जंडा की टीम की तरफ से आप खेलेंगे, तो कैसा लगा आपको और आपकी फैमिली को कैसा लगा? बिल्कुल, मैं काफ़ी अच्छा लगा जब मेरा नाम आया ऑक्शन में और प्रीति मैम ने मुझे अपनी टीम में लिया। काफ़ी एक्साइटेड हुआ मैं उस टाइम और फैमिली में बहुत ज़्यादा खुशी थी उस टाइम। जब मैंने घर फ़ोन किया था तो उनको पता चला था, वो लाइव देख रहे थे बीडिंग, तो काफ़ी खुश थे सारे घर में। बिल्कुल सर, बीइंग अ क्रिकेटर, आपके रोल मॉडल कौन है, लाइक आपकी फेवरेट लिस्ट में कौन आते हैं क्रिकेट में? मेरे फेवरेट लिस्ट में दो चार आते हैं, जैसे जब मैं छोटा था तो मैं नाम सुनता था कपिल देव सर का, सुनता था नाम, उसको लाइव कभी नहीं देखा मैंने खेलते हुए। जब तो फिर बड़ा हुआ, फिर उसको सोशल मीडिया पे देखा, उसके बाद सचिन तेंदुलकर को देखा, मतलब बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर है। फिर मेरे मेन रोल मॉडल थे वो एम एस धोनी। तो अभी बहुत सारे विराट कोहली, लाइक बहुत सारे अभी बड़े बड़े प्लेयर है, एबी डिविलियर्स, बड़े बड़े प्लेयर है जिनको मैं फॉलो करता आ रहा हूँ। तो सर, स्पोर्ट्स की बात करें तो कई तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, तो आपके मन में ऐसा क्या है कि आपका क्रिकेट की तरफ रुख कैसे हुआ, कि आपको लगा कि हाँ आपको क्रिकेट में ही ऐसे अपना करियर बनाना चाहिए? क्रिकेट तो मैं बचपन से खेलता था, हमारे जम्मू कश्मीर में, खास करके जम्मू कश्मीर में या इंडिया में तो ज़्यादा क्रिकेट ही खेलते हैं। जैसे बचपन में कोई भी बच्चा आए उसके हाथ में बैट होता है, चाहे वो गली में कहाँ भी जाए उसके हाथ में बैट होता है, तो वैसे मैं भी था। 2007-08 तक तो मैं ऐसे ही था, मतलब कोई इतना नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनल खेलूँगा, कुछ ऐसा क्रिकेट खेलूँगा। तो फिर 2008-09 के बाद मैंने क्लब क्रिकेट खेला, उसके बाद मेरे दिमाग और जहन में आ गया कि मैं क्लब क्रिकेट खेलता रहूँगा और इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँगा, स्टेट के लिए खेलूँगा। तो लकीली JKC वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे 2017 में चांस दिया T20 खेलने का, तो उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। जी जी, बहुत खूब सर। सर, जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में आपको मिस्टर सिक्सर के नाम से जाना जाता है, तो बात करें दो बेहतरीन ऐसे क्रिकेटर्स की, युवराज सिंह, क्रिस गेल, जो कि T20 ब्लास्टर के नाम से जाने जाते हैं, तो आप उन्हीं को ज्वाइन करने वाले हैं आईपीएल में, तो कितनी एक्साइटमेंट है आपको और लाइक अपनी तरफ से आप क्या स्ट्रैटेजी लेके जाना चाहते हैं इस ग्राउंड में? बिल्कुल, सबसे पहले मेरी खुशनसीबी है कि मैं इतने बड़े प्लेयरों के साथ खेल रहा हूं और मैं इतने बड़े जो वर्ल्ड के सबसे बड़ी लीग है उसमें मैं सिलेक्ट हुआ हूं और किंग्स इलेवन पंजाब में मैं हूं, मेरा नाम आया है, तो मेरे लिए खुशी की बात है कि सबसे पहले मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। और इंटरेस्ट हर किसी, जो भी मेरे फेवरेट प्लेयर है और जो भी बड़े बड़े स्टार है वर्ल्ड के, उनके साथ खेलने के और उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने को बहुत कुछ मिलेगा, जिससे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और इंशाल्लाह मैं अच्छा करूँगा फिर आगे जाके। जी जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और अपने साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन करते रहें। तो सर, आखिर में बस हम आपसे बस यही कहेंगे, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे जम्मू कश्मीर के युवा जो इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनके लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि उनकी मतलब जो भी आजकल, मतलब 2018 का अभी साल है, किसी सदी है, तो आज जब मैं छोटा था 10 साल 15 साल 10 साल पहले 8 10 साल 2010 से पहले, तो उस टाइम काफ़ी मुश्किल आते, मतलब बच्चों को खेलने में उतना एक्सपोजर नहीं था। आज दिन ब दिन जितना मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है सोशल मीडिया से, आप जो आपका कोई फेवरेट प्लेयर है आप उसको सोशल मीडिया से देख सकते हो, सीख सकते हो, और एकेडमीज हैं पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में। तो आज मैं इतना चाहता हूँ कि हमारे खासकर जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट सपोर्ट्स में, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हमारे परवेज भाई इंडिया खेल चुके हैं और फुटबॉल में महराज भाई इंडिया खेल चुके हैं, तो बड़े 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 मतलब स्टार हैं हमारे वैली में। बस इतना चाहता हूं कि वो अब हिम्मत रखे और मेहनत करें तो कुछ भी पा सकते हैं फिर। जी जी, सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग सच अ लवली कॉन्वर्सेशन विद अस। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मंजूर डार, जिन्हें हम बहुत ही जल्द आईपीएल में देखेंगे और देखेंगे कि वहां पे ये इनका प्रदर्शन कैसा रहेगा, जिन्हें जो यहाँ पे सिक्सर, मिस्टर सिक्सर के नाम से जान जाते हैं, आप देखेंगे कि वहां पे कितने छक्के उड़ाते हैं ये।
सो आगे के लाइव अपडेट्स के लिए आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज नाउ विद मी प्रेरणा जम्वाल, वीडियो जर्नी साहिल शर्मा। और दोस्तों आखिर में हमारा चैनल द न्यूज नाउ के चैनल को, हमारे कंटेंट्स को शेयर करना ना भूले, हमारे चैनल को लाइक करना, हमारे पेज को लाइक करना ना भूले।